पंजाब दे डीजीपी नू लग्या हजारां रुपए दा जुर्माना। जे नहीं मने कोर्ट दे हुकम ता डीजीपी नू हो सकदी है सजा। ऐसे जुलाई च होवेगा फैसला। पंजाब पुलिस ने कोर्ट दा समा कीता बर्बाद। डीजीपी अते गृह सकत्तर ने नहीं दिता कोर्ट नू जवाब। पंजाब पुलिस दी भर्ती च कोर्ट ने दित्ते सी हुकम। हाई कोर्ट दे वकील अर्जुन शुक्ला ने दित्ती जानकारी। तां पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव अते गृह सकत्तर दोहां जणियां नू 25,000 रुपए दा हाई कोर्ट वल्लों जुर्माना लग्या है। दरअसल 2016 दे विच पंजाब पुलिस ने भर्तियां कढ़ियां सी। उस वेले कोर्ट ने हुक्म कीते सी कि पंजाब पुलिस दे बच्चियां नू जिहड़े पंजाब पुलिस दे विच मौजूदा मुलाजम ने उन्हां दे बच्चियां नू 2% रिजर्वेशन मिले। तां एक परिवार नू रिजर्वेशन नहीं मिली, जिस तों बाद उन्हां ने कोर्ट दे विच पटीशन लगाई। जिस तों बाद कोर्ट ने हुक्म दित्ते सी कि 2% जिहड़ी रिजर्वेशन है उस नू इंप्लीमेंट किया जाए। जिस तों बाद पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस दे वल्लों इस गल नू नहीं गोलिया गया, जिस करके हुण हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिते गए ने डीजीपी अते गृह सकत्तर दे 25,000 दा जुर्माना लग्या है। जे अगली तरीक यानी कि आने वाली जुलाई दे विच जे डीजीपी अते गृह सकत्तर पेश नहीं हुंदे तां उहनां ते कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकदा है। तो सीएम साहब दा पहला फोकस जिहड़ी वॉर ऑन ड्रग्स सीएम साहब ने 15 अगस्त नूं ऐलान कीता सी, उसका रिव्यू किया गया। तो इस दे विच हिदायतां दित्ती गईआं सीएम साहब वल्लों कि जीरो टॉलरेंस हैगी ड्रग ट्रैफिकिंग लई। तो सारे पंजाब दे विच प्रॉपर्टी फोरफीचर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिहड़े कीते गए हैगे ड्रग स्मगलर्स ने उसका रिव्यू किया गया। तो हिदायतां दित्ती गई कि प्रॉपर्टी फोरफीचर ते मैक्सीमम फोकस होना चाहिए। फोकस बिग फिश ते जिहड़े वड्डे स्मगलर हैगे उन्हां नू अरेस्ट किया जाए। तो इस दे नाल ग्राउंड लैवल ते इसका इंपैक्ट महसूस होना चाहिए कि जिहड़ा आम बंदा हैगा पिंडां दे विच मोहल्लिआं दे विच ड्रग जिहड़ी विक रही है उस ते सीवियरली उसनू कर्टेल किया जाना चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट की हर SSP की परफॉर्मेंस रिव्यू की जाऊगी, किन्नियां FIR दर्ज हो रही हैं, किन्ने जिहड़े हैगे ड्रग्स रिकवर हो रहे हैं, तो किन्ने जिहड़े स्मगलर हैगे उन्हां दी प्रॉपर्टी, किन्ने करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई। सीएम साहब नूं दस्सिया गया कि इस साल 105 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग स्मगलर हैज़ बीन फोरफिटेड। सो यह एक जंगी पद्धर से जी वॉर ऑन ड्रग्स कैरी ऑन की जाऊगी। ये मसला है क्या और किस पे कॉस्ट लगाई गई है, क्या प्रेयर थी, एग्जैक्ट इशू क्या था? 2016 में पंजाब सरकार ने कांस्टेबल की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी और ड्यूरिंग पेंडेंसी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि जो पुलिस पर्सनल के वार्ड्स हैं उनको 2% रिजर्वेशन दी गई। तो सिंस पटिशनर भी उसी कैटेगरी में आते थे, उन्होंने अप्लाई किया कि हमारी कैटेगरी चेंज करके इस कैटेगरी में हमें भर्ती दी जाए। बट पंजाब सरकार इनका फैसला नहीं कर रही थी, बट एट द सेम टाइम वो और लोगों को भर्ती करी जा रही थी इस कैटेगरी में। तो पटिशनर्स इसलिए फिर हाईकोर्ट अप्रोच किया उन्होंने 2017 में। अब उसका जो डिसीजन आया 16 जनवरी 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया कि नहीं ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए पंजाब सरकार को डायरेक्शन दी गई कि अब 3 महीने के अंदर इनके जो है अपार्टमेंट ऑर्डर्स इशू करें। अब मई 2023 में पंजाब सरकार ने क्या किया, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करते हुए एक अपना नया स्पीकिंग ऑर्डर इशू कर दिया कि नहीं जो हाई कोर्ट की जजमेंट है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में पटिशनर्स ने हाई कोर्ट को दोबारा अप्रोच किया और कंटेम्प्ट पटिशन लगाई कि जो 16 जनवरी 2023 का ऑर्डर था उसको पंजाब सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने इनको जुलाई 2023 में नोटिस इशू किया और इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाई। इसकी सुनवाई अब 1 अप्रैल 2024 को दोबारा आई, उस पर सरकार ने फिर से वही अपना स्टैंड लिया कि नहीं जी हम हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस पे हाई कोर्ट ने बड़ी स्ट्रिक्टली उनको अब एक हिदायत इशू की है कि नेक्स्ट डेट से पहले या तो इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट डेट पे डीजीपी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब को हाई कोर्ट में बुलाया है, उनको क्लियर बोल दिया कि अगर आपने नहीं इम्प्लीमेंट किया तो आपको यहीं से हम कंटेम्प्ट में पनिश करेंगे। तो अब इसकी नेक्स्ट डेट 4 जुलाई लगाई है, बट क्योंकि हाई कोर्ट का इतना टाइम वेस्ट किया उन्होंने, जुलाई में उनको नोटिस इशू हुआ था, 1 अप्रैल को भी आके वो सेम चीज़ कर रहे हैं, इसलिए उन पे डीजीपी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब पे 25,000 की कॉस्ट लगाई हाईकोर्ट।